नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्पेशल कार्यक्रम में कुछ हम जो है फील्ड रिपोर्टिंग करेंगे, कुछ हम देखेंगे फील्ड में जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर, क्योंकि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या हम कहें कि आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उससे ज्यादातर गुरुग्राम जो है उस चीज से प्रभावित है, पर प्रशासन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। जी हाँ, वो टॉपिक है आयुध डिपो। जी हाँ, 300 मीटर एरिया, 900 मीटर एरिया बहुत हम सुनते हैं, है क्या आखिरकार, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ। आज आपको जो है कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि आयुध डिपो है यहाँ पर, साथ में ही अगर नजर घुमाएंगे तो कमर्शियल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई है, जबकि कहा जाता है 900 मीटर के एरिया में जो है कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आम जनता तो जो कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर देखें कि हुड्डा, जी हाँ, HSVP और साथ में ही DTP जो टाउन प्लानिंग का काम करते हैं, उनके भी ऑफिस जो है इसी 900 मीटर के एरिया में बने हुए हैं। साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, पायल सिनेमा हॉल बना हुआ है। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ आ चुके हैं, रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ जो है शुरू करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। सर, एम्युनिशन डिपो, आयुध डिपो से बहुत लोग प्रभावित हैं और उसी के बिल्कुल साथ में खड़े हैं, क्या कहेंगे, आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए, जब हाई कोर्ट में ये इशू आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद कहा कि भाई 900 मीटर की अपेक्षा अगर इसको 300 मीटर कर दिया जाए तो 300 मीटर में शायद लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो फिर हाई कोर्ट ने पूछा, अच्छा ये बताया जाए कि 300 मीटर में कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। जी जी। तो बड़ी मजेदार बात है, गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जवाब दिया हाई कोर्ट में, वो बता रहा हूँ आपको, उन्होंने खुद माना कि लगभग 6000 स्ट्रक्चर 300 मीटर में, बने हुए हैं। उन्होंने खुद माना है लगभग 3000 मकान बने हुए हैं, और कमर्शियल यूनिट उन्होंने माना है कि 576 बनी हुई है, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो 13 बनी हुई है, जैसे इसमें मारुति फैक्ट्री भी आती है। जी जी। और मिक्स्ड जो प्रॉपर्टीज हैं वो 477 बनी हुई हैं, और अदर प्रॉपर्टी लिख रखा है 49। और सरकार ने माना कि लगभग 2000 प्लॉट खाली हैं, पर सरकार ने ये नहीं बताया कि सरकारी ऑफिस कितने आते हैं। जी देखिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, HSVP जो डिपार्टमेंट है, जो हरियाणा का महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, और DTP डिपार्टमेंट जो है जो पूरे हरियाणा की मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, जिले की प्लानिंग करता है, उनके ऑफिस भी मेन ऑफिस, ऐसे नहीं कि ब्रांच नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ उनका यही बैठता हो, SBO बैठता हो, जो गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेटर साहब HSVP के बैठते हैं उस ऑफिस की बात कर रहे हैं। DTP ऑफिस, जहाँ डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर बैठता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट टाउन एनफोर्समेंट बैठता है, जहाँ सीनियर STP बैठता है, उनके ऑफिस भी इसी परिधि में आते हैं। सरकार ने ये नहीं बताया कि हमारे सरकारी ऑफिस कितने बने हुए हैं इस 300 मीटर में। जी। तो साफ पता लगता है सरकार करती कुछ और है, बताती कुछ और है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है सरकारी कार्य प्रणाली पर, जब एक आम आदमी मकान बनाता है मान लो 300 मीटर में। जी जी। तो उसको तोड़ दिया जाता है। जी जी। पर कब तोड़ते हैं? जब वो पैसे नहीं देता। जी। तो बड़ी संख्या में JEE, SDO और कंसर्न बाकी विभाग के अधिकारी हैं, उनसे पैसे खाते हैं, और पर जब सरकार वाले अपने विभाग हैं वो कैसे बन जाते हैं, ये तो बहुत ही मूक क्वेश्चन है। इसको आप सबसे पहले हम लोग, मैं चाहूंगा कि एक बार हम जो एमिशन डिपो है जी 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 उसके चारों तरफ चलते हैं। तो चलिए, अपनी पड़ताल जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अभय जी, अगर हम बात करें, इसी रोड पर हम जा रहे हैं और बिल्कुल साथ में सटे हुए ये पूरे कमर्शियल चीजें बनी हुई है, घर भी बने हुए हैं, क्या कहेंगे कि आखिरकार हाईवेज भी इसी रोड से जा रहे हैं, 300 मीटर 900 मीटर में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये देखो उल्टे हाथ कुछ जमीन थी जहाँ लिखा है कि ये प्रॉपर्टी ASP यानी एयरफोर्स की है। जी। ये सारे जो बने हुए हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सारे अवैध हैं। जी। परंतु ये सरकार ने अवैध ऐसे ही नहीं बनने दिए। जी। कंसर्न जो JEE हैं, SDO हैं, और जो DTP एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी हैं, जी, सब ने इनसे बहुत मोटी रकम वसूल की है। मोटी रकम तो मतलब ये भी एक भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। देखिए, ये आपके सीधे हाथ को एमिशन डिपो के बिल्कुल द्वार के साथ ही ये बड़े बड़े बैंक हॉल्स बने हुए हैं। जी। और इसमें होता क्या है, जब बैंक हॉल में तो फंक्शन होंगे, और बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर रखे रहते हैं। जी। और जब फंक्शन होते हैं, किसी की शादी है या कोई सेलिब्रेशन है, तो आतिशबाजी भी चलती है, तो कितना बड़ा ये पूरे गुड़गांव के शहर के लिए खतरे में डाल देता है ये यहाँ पर बैंक हॉल होना। जी। तो कई बार
प्रशासन ने कहा भाई बेंगीठाल गलत हैं, परंतु मैं आपको बता दूं ये बेंगीठाल ड्यूटी पे एनफोर्समेंट और जो अन्य विभाग है उनकी मिली भगत से ही बनते हैं, और कुछ बेंगीठाल तो हमारे नेतागण के और अफसरों का भी उनमें पूरा पूरा हिस्सा है। ये बेंगीठाल ऐसे नहीं बन गए, तो मतलब आला अधिकारियों की इसमें कहीं ना कहीं जो मिली भगत है तभी ये चीजें हो रही है। बिल्कुल मिली भगत है जब भी, परंतु ये नहीं सोच रहे कि कोई दुर्घटना घट गई तो कितने आदमियों की जानों को खतरा होगा। अब सरकार ने खुद माना है कि लगभग 3000 मकानियां हैं जी, 300 मीटर की बात कर रहे हैं जी जी। अब 3000 मकान में यदि एक, आप मुझे बताओ यदि आप मान लीजिए चलते मकान में मान लो 5 आदमी रहते हैं, छोटा मकान मान लिया 5 आदमी मान रहे हैं जी, तो भी 15000 आदमी तो 300 मीटर रेडियस में रह रहा है जी जी। तो कोई भगवान ना चाहा अगर किसी कोई घटना घट जाती है तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ सटाकर ये पूरी की पूरी मार्बल मार्केट जो है यहाँ पर बनी हुई है। और सर यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें 900 मीटर के एरिया की, अभी रिसेंट में भी जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। देखिए सामने ना एकता ग्रुप का ऑफिस है जी, ये गजेंद्र सिंह कपलाना जी का है जी, उसके बगल में ही उन्होंने भी खुद भी 5 मंजिल बना रखा है, इसके बगल में भी काम चल रहा है। ये देखो चीजें 900 मीटर में आती हैं और किसी भी तरह से ये लीगल नहीं है, ये निश्चित ही। और ऐसा नहीं है कि अपना बना लेते हैं, अधिकारियों को पता है, अधिकारियों के 60 गार्ड से इतनी बिल्डिंग बनती है। देखो अचानक जो छोटा होता है ना, जो एक मंजिल बन रहा है वो तो एक आम आदमी बना रहा होता है जी, जब एक 5-5 मंजिल बड़े बड़े शोरूम बनते हैं तो निश्चित रूप से एक कॉमर्शियल वेंचर है। मतलब कि बना अधिकारियों को 60 गार्ड करके बना देते हैं, फिर आम लोगों को बेच कर अपना पैसे बनाते हैं। 900 मीटर दायरे में देखो बड़े बड़े शोरूम हैं कारों के, अलग अलग कंपनियों के, और साथ साथ देखिए यहाँ एक पर्दा लगाकर ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा कोई शोरूम या बेंगीठाल वगैरह बन रहा है। परंतु अब सरकार ऐसा नहीं कि यहाँ के अधिकारियों को नहीं मालूम, अधिकारियों को मालूम है, परंतु जानबूझ के 60 गार्ड करके ये अवैध रूप से काम किया जा रहा है। आज के इस अयोध्या डिपो के टॉपिक पर जो है 900 मीटर के एरिया में जो रह रहे हैं अमरजीत सिंह जी, उनसे भी हम आज आपकी बात करवाएंगे, और साथ ही उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है बिजली को लेकर, क्योंकि 300 मीटर के एरिया में जो है बिजली कनेक्शन नहीं है। तो चलिए अमरजीत सिंह जी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कब से रह रहे हैं और उनका थॉट प्रोसेस क्या है ये जो 300 मीटर 900 मीटर का जो एरिया को लेकर इतना बवाल चल रहा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कब से रह रहे हैं, अगर 900 मीटर एरिया के बारे में अगर हम बात करें कब से रह रहे हैं? मैं मोस्टली पिछले 11-12 साल से वहां रह रहा हूं। तो आपको पता था कुछ इसके बारे में कि 900 मीटर के एरिया में क्या होता है, कैसे होता है, आयु डिपो के पास ऐसा कुछ नहीं? उस टाइम इतने वो बताया नहीं गया, जैसे जो डीलर वगैरह है कोई वहाँ के जो भी है, तो उन्होंने बस थोड़ा प्लॉट कम रेट में मिल रहा था, जैसे सेक्टर के रेट ज्यादा थे तो हमने वहाँ ले लिया। लेकिन उसके बाद जो तकलीफें आई उनका आज की डेट में थोड़ा बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आपको प्रलोभन दिए गए थे उस टाइम पे भी कि किस तरीके से करवा लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि हमें तो बोला गया था भाई आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, जीपीए हो जाएगा, तो आपका कैसे? बिल्कुल सेम यही था कि अभी रजिस्ट्री खुलने वाली है, जीपीए के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को 12 साल हो चुके। और मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो वो मिल रही है वहाँ पर? नई सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था वहाँ, जितनी भी कॉलोनी में जितने भी हम आस पड़ोस में रहते हैं सबने देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जी 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 जी, जो भी गलियां थी वे गलियां हमने सबने अपने पैसे से बनवाई हैं जी, जो बनवा सकते थे। उसके बाद जो भी सीवर वगैरह का वो हमने पैसे से करवाया था, लेकिन एक जो बिजली है गवर्नमेंट, ये हम लोग कर नहीं सकते, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए चाहिए। पिछले 4-5 साल पहले एक टेम्प्रेरी कनेक्शन दिए गए थे, केस तो ये 900 मीटर का चल रहा है, लेकिन 600 मीटर को इन्होंने टेम्प्रेरी कनेक्शन दे दिए गवर्नमेंट ने, अब 300 मीटर को क्यों छोड़ दिया ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। जब वहाँ अगर 600 मीटर में टेम्प्रेरी कनेक्शन दे सकते थे तो 300 मीटर में भी आज मेरी यही आवाज़ है कि 300 मीटर में आप कनेक्शन दो। वहाँ आज की डेट में कम से कम 3000 घर ऐसे हैं जो मजबूर हैं, इलीगल बिजली कहीं से आपस में लेते हैं, अवैध तरीका क्या किसी मीटर लगा हुआ है जी, अगर उससे भी लेते हैं तो छापे पड़ जाते हैं कि आप इनसे बिजली खरीद रहे हो जी जी, लेने वाले पे भी और देने वाले पे दोनों मुकदमा दर्ज होता है। तो क्या आयु डिपो का क्या कुछ हल हो सकता है इस चीज का, आपको क्या लगता है? इस डिपो को अगर हम चेंज करने का प्रोसेस करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहेगा। लेकिन अगर डिपो को आप यहीं रहकर आज के मॉडर्न डिपो बना सकते हैं तो उसमें एक तो टाइम कम लगेगा और सेफ्टी भी बहुत अच्छी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी जी, पिछले 10 ये जो ये 1923 का केस है, ये 900 मीटर 1923 और अब
2023 पूरे 100 साल हो गए जी जी शुरू हो गया, 1001 साल हो गए, 1001 साल पहले का कानून अब लागू हो रहा है और वो चीजें वहीं की वहीं चली जा रही हैं, तो ये कोई तुक वाली बात नहीं लगती। जो हमारा सेंट्रल मुंबई में हमारा पुलगांव में बना हुआ है म्यूनिशन का, वहां पर एक हादसा हुआ था, तो कभी डर नहीं लगता कि ऐसा कोई हादसा वहां पर हो गया आपके आसपास के एरिया में, और आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड है वहां पर? बिल्कुल साये में रहते हैं पब्लिक सारी सी उसमें, कि एक तरफ तो इसका डर सताता रहता है, दूसरा बिजली की उसमें रहती है। आप ये देखिए इस टाइम आज हम बैठे हैं तो सबके तकरीबन एग्जाम से बच्चों के सिर पे है जी जी, अवैध कनेक्शन के उसमें चालान काट गए, आदमी घर से निकल जाता है, ऐसी ऐसे औरतें आती हैं मेरे पास वो रोने लग जाती हैं कि भैया पुलिस वाले आते हैं 10 बजे 11 बजे दरवाजा खटखटाते हैं, डोर बेल बजाते हैं, अंदर से बच्चियां कहती हैं मम्मी पुलिस वाले आए हुए हैं, जी 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 पुलिस वाले आए हैं, माँ कहती है कि बेटा तेरे पापा नहीं क्या करें, मतलब वो दिन निकल जाता है, फिर अगले दिन उनके यही खौफ रहता है कहीं कोई ना आ जाए, बच्चा पढ़ाई करे क्या करे, फिर बिजलियां कट जाती हैं, तारे टूट जाते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है उनको कि तारे जोड़ दो ये कर दो, 10-10 15-15 दिन हो जाते हैं कोई खबर नहीं लेता। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे जो है कमेंट जरूर करें। तो जानना चाहूंगी ये आयुध डिपू के बारे में बोलते हैं, 900 मीटर 300 मीटर आखिरकार ये आयुध डिपू है क्या, क्या भला है, आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए हमारी सेनाओं जो हैं उनके लिए जो हथियार हैं उनको रखने के लिए केंद्र सरकार एम्युनिशन डिपो बनाती है। एम्युनिशन डिपो का मतलब है कि वहाँ बड़ी मात्रा में बम बारूद मिसाइल्स वगैरह को स्टोर किया जाता है। तो ये तीनों डिफेंस जो हमारी नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, तीनों को ही जनरली यहाँ पर हथियार बम और बारूद रखा जाता है। गुड़गांव में भी 51 करके इसका नंबर है 54, इसको हम बोलते हैं ASP एयर स्ट्रोक पार्क। तो यहाँ पर ज़्यादातर एयरफोर्स के जो मिसाइल्स हैं जो एयरफोर्स अपने कैरी करती है बम वगैरह जो वो रखे जाते हैं जी। तो ये लगभग 800 एकड़ में बहुत पहले बनाया गया, वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 के तहत ऐसा सुनिश्चित किया गया कि इसके 900 मीटर चारों तरफ जी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इसलिए ऐसा प्रावधान इसके अंदर है क्या कि कभी कोई घटना घट जाए, कोई क्योंकि बम रखे हुए जी जी, कोई बम फट जाए तो जनरली वो उसका ये देखा जाता है कि इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ेगा जी, तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इसलिए वहाँ कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सरकार ने बनाया ये रूल जो वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 बना, तो ये तय हुआ कि भाई यहाँ उसके 900 मीटर में कोई भी रिहाइश नहीं होगी जी, किसी तरह की इंडस्ट्री या कोई भी बिल्डिंग नहीं होगी। परंतु बड़े मजेदार बात है कि जब सरकार ने अपने आप ही इस नियम को दरकिनार कर दिया, वो दरकिनार कैसे करा, हमारे यहाँ मारुति फैक्ट्री जब 84 में आई तो मारुति फैक्ट्री को उस 900 मीटर परिधि में ही अलाउ कर दिया गया और बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी गई जी। फिर पहले हुड्डा हुआ करता हमारे यहाँ हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब उसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, उसका भी जो मेन ऑफिस था गुड़गांव में वो 900 मीटर में ही खोल दिया गया। DTP जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ऑफिस होता है उसके जो सीनियर बॉस हैं, STP जो पूरे शहर की योजना बनाते हैं जी, उनका ऑफिस भी इस 900 मीटर परिधि में ही खोल दिया गया। इवन बड़े बड़े माल जो है वो इसमें खोल दिए गए, जो पेट्रोल पंप है वो इसमें खोल दिए गए, सेक्टर काट दिए गए। तो जब सरकार ने ही इस नियम को 900 मीटर नियम को दरकिनार कर दिया जी, तो फिर क्या होता, तो 900 मीटर में लोगों ने धीरे धीरे घर अपने बना लिए, बसना शुरू कर दिया, और राजा साहब माना जा रहा है लगभग 20,000 से ज़्यादा परिवार, 20,000 से ज़्यादा परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, 20,000 से ज़्यादा परिवार 900 मीटर की परिधि में रहते हैं। बड़ी बात ये भी सामने आती है कि अगर तो अवैध है, लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ये अवैध है 300 मीटर 900 मीटर, तो वो वहाँ पर रह कैसे रहे हैं, क्या उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और मूलभूत सुविधाओं की बात करें अगर हम, बिजली पानी सड़क सुरक्षा, वो किस प्रकार उनको मिल रहे हैं? आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन रेज किया मैडम जी। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो आम जनता मिडिल सेगमेंट के लोग या लोअर मिडिल सेगमेंट के लोग रह रहे हैं जी। और हुआ क्या, जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े डीलर थे जी, पार्षद विधायक, उन लोगों ने इन लोगों को कॉलोनी काट कर अपने प्लॉट काट के उनको बेच दिए जी। और आम जनता को तो ये कहा गया भाई ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, हम अप्रूव करा देंगे जी, आप यहाँ मकान बनाए जी और रहें आराम से। तो इस तरह नेताओं ने, और आपको बता दूं ज़्यादातर कॉलोनियाँ विधायक ने, विधायकों ने और पार्षदों ने, जो अलग अलग पार्टीज के हैं
उन्होंने कलोनी काटी हैं और उन्होंने ही आम जनता को गुमराह करके, मिसगाइड करके उनको प्लॉट बेचे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि जब आदमी एमएलए ही खुद मान लो कलोनी काटेगा तो वहाँ बिजली पानी सीवरेज की व्यवस्था सरकार कर देती है, ऐसे गोलमाल करके आम जनता को गुमराह करके यहाँ पर बसाया गया है। तो अगर हम 900 मीटर 300 मीटर एरिया की बात कर रहे हैं या इनको बसा भी दिया, बट बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं लगती जैन साहब कि सुरक्षा का मापदंड था उस एरिया में 900 मीटर 300 मीटर की जहाँ पर बात हो रही है, तो फिर उस सुरक्षा का मापदंड क्या यहाँ पर पूरा प्रमाणित हो रहा है? ये तो कुछ और ही, क्या इससे कोई दुर्घटना का आशंका नहीं हो सकती? अब बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल मजाक बन गया है। और जो हमारे एमिनेशन डिपो पूरे इंडिया में है, कई बार ऐसी घटना भी हुई है कि वहाँ पर कोई रखा हुआ बम फट गया, कोई मिसाइल में कोई घटना घट गई और कुछ लोगों की जान भी गई है जी। तो इसीलिए ही तो नियम बनाया गया कि 900 मीटर में आप कुछ नहीं करेंगे जी। परंतु जो नेतागण हैं, जो बड़े डीलर एजेंट हैं, भूमाफिया हैं, उन लोगों ने लोगों को, आम लोगों को मिसगाइड करके यहाँ बसा दिया। अब सरकार के लिए बड़ी अजीब सी पोजिशन हो गई है जी। अभी आपको एक चीज़ में बताना चाहूँगा, एक बाकायदा हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी बनी और फिर तय हुआ कि भाई इसका समाधान ढूंढो। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने और राज्य सरकार ने मिलकर एक प्रपोजल दिया जी हाई कोर्ट में कि भाई 900 मीटर में तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, इसका एरिया हम 300 मीटर कर देते हैं जी। तो फिर हाई कोर्ट ने पूछा भाई अच्छा ठीक है 300 मीटर कर दो आप जी, पर पहले बताओ कि 300 मीटर में कितनी कंस्ट्रक्शन है। तो हाई कोर्ट को जिला प्रशासन ने अपने आप एक फिगर दी है जो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। 300 मीटर में सरकार ने माना है कि लगभग 6000 अवैध कंस्ट्रक्शन वहाँ हैं, परंतु बड़े दुख की बात है कि ये अब पोजीशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है जी जी। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सरकार अब जब कोई आदमी गरीब आदमी मकान बनाता है तो अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको सेटिंग चलती है। अब बड़ी मजेदार बात है, अगर जब सरकार 300 मीटर की बात कर रहे हैं, 6000 मान रहे हैं और 900 मीटर में जैसे हमने बताया कि 20000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, तो हो कैसे गई? निश्चित रूप से इसमें जो अधिकारीगण है वो 100% से मिली भगत से ही ये सब हुआ है। वहाँ रोड्स आ गई हैं, बिजली आ गई है, पानी आ गया है, सीवरेज आ गया है, और कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसा भी है कि कागजों में अप्रूव नहीं है जी जी, परंतु अप्रूव ही है क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज नगर निगम दे रहा है। जैन साहब अगर बात करें, ये कड़ियाँ साथ के साथ जुड़ रही हैं और उसके बाद भी अगर प्रशासन को इसकी खबर नहीं है तो ये हो कैसे सकता है? एक तो सर्वे लगातार ये इन लोगों ने कराया, फिर उसके बाद हम बात करें कि बिजली पानी सीवर सुरक्षा सारा कुछ ये वहाँ पर दे रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं? क्या सही में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं या फिर कोई और प्रोसेस चल रहा है इस चीज़ के लिए भी? देखो 900 मीटर में काफ़ी बड़ी संख्या में ऑलरेडी रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं जी। और जब कभी कोई हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है या जिला प्रशासन नया कोई आता है अफसर, तो फिर वो रजिस्ट्री बैन कर देता है जी। तो होता क्या है, जो भी भू माफिया के लोग हैं वो जीपीए करा देते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जीपीए करा के भी कब्जा दे के वहाँ मकान बने हुए हैं। अब जब जीपीए कराई तो सरकार को भी रेवेन्यू लॉस हो गया। तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी 900 मीटर में रजिस्ट्रियाँ हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ रजिस्ट्री जब बैन हो जाती है तो भू माफिया के लोग आम जनता को गुमराह करके जीपीए करा देते हैं और जीपीए करा के कब्जा दे देते हैं। तो जीपीए करा कर भी वहाँ बहुत सारी बड़ी मात्रा में मकान बने हुए हैं। बट बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि बार बार जो इनसे सर्वे के दौरान जो चीज़ें मांगी जा रही हैं वो सबमिट होने के बाद भी जो है फाइनल, जो अगर हम बात करें निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुँच रहे? कौन सा ऐसा एक पेज है जो अभी भी फंसा हुआ है? देखो पेज तो ये है ना कि अब ये बात आई कि जब 300 मीटर में हाई कोर्ट ने कहा अच्छा बताओ कितनी कंस्ट्रक्शन है जी, अब सरकार ने दे दिया कि 6000 यूनिट्स 6000 कंस्ट्रक्शन है जी, अब उनको मुआवजा दिया जाए। अब मुआवजा दिया जाए तो मुआवजा कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, मुआवजा भी तय हुआ, मतलब कि सरकार ने एक मुआवजा भी बना के सोचा कि भाई जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है उसका मुआवजा दे दिया जाए। पर जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, आप भी पता है कि रजिस्ट्री में जो एक्चुअल पैसा होता है जी, ना तो बेचने वाला उतना देता है, रजिस्ट्री भी कम पैसे की होती है, एक्चुअल में रेट ज़्यादा होते हैं। तो बड़ा ही अजीब सा है कि दूसरा जब जीपीए को ले रहा है तो मुआवजा सरकार किसको देगी? जिसने मकान बनाया उसको देगी, जिसके नाम जमीन है उसको देगी? तो बहुत सारे पेच हैं। तो अभी मैं समझता हूँ, और कुछ सबसे बड़ी बात ये भी है कि अधिकारियों की नेताओं की इच्छा शक्ति भी अभी वो नहीं है कि वो चाहें कि वाकई भी ये समस्या है, इस समस्या को हल करने का प्रयास गंभीरता से किया जाए। जैन साहब अगर बात करें कि
इलीगल भी है या अवैध है, क्योंकि ये जो पेज है वो बार बार इस तरीके से घूम रहे हैं कि प्रशासन वहां पर जो है तोड़फोड़ भी कर रहा है, नई बिल्डिंग्स वहां पर भी बन रही हैं, और जैसे आपने बताया जीपीए भी वहां पर हो रहा है, तो आखिरकार ये चीजें चल कैसे रही हैं वहां पर? देखिए, डिप्टी कमिश्नर ने 13 अप्रैल 2018 को स्पष्ट ऑर्डर किया जी कि भाई 300 मीटर में कोई भी कंस्ट्रक्शन आप नहीं करेंगे जी। उसके बावजूद भी 2018 से अगर आज 24 आ गया, आज भी वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो क्यों हो रही है? वही अगेन आ गया मिलीभगत से। जो भूमाफिया का आदमी सरकारी अफसरों से मिल जाता है, सरकारी अफसरों को उनके हिसाब से चंदा दे देता है, पैसा दे देता है, तो वो तो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और जो नहीं देता उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए अभी भी आप रोज सुनते होंगे कि वहाँ तोड़ दिया और उसका बन गया। तो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप देखिए, पहली बात तो शुरू से नहीं बनना चाहिए था। जब डिफेंस में इतना रोला हुआ, इतना बात इशू रेज हुआ, हाई कोर्ट में बात गई, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने जब क्लियर आदेश दिया कि भाई 300 मीटर में अब सर्वे क्योंकि हमने कर लिया, अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी जी, तो उसके बाद तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी। पर आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आज भी कॉलोनी कट रही है, आज भी लोग मकान बना रहे हैं। और खाली मकान नहीं, अगर आप देखेंगे मकान का बहुत छोटी बात होती है, मकान तो एक आम आदमी लेता है, गरीब आदमी लेता है। अगर वहाँ देखेंगे तो 300 मीटर के, मैं तो कहता हूँ 100 मीटर के दायरे में बड़े बड़े कार के शोरूम्स बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, बड़े बड़े बैंक के ठाल्स बने हुए हैं। तो ये कैसे बन जाते हैं आप बताइए, आप ये बात तो आप खुद बताइए कैसे बन जाते हैं जी। ऐसा नहीं कि वहाँ के कंसर्न अधिकारियों को पता नहीं, सब पता है। तो ये बड़ी मजेदार बात है, आज भी वहाँ पर बड़े बड़े यूनिट्स, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे काम चल रहा है। वो कैसे चल रहा है तो आप ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई अधिकारियों को नहीं पता, अधिकारियों को सब पता है, वो सेटिंग करके ही वहाँ सारा काम चल रहा है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, एक बैंक्वेट हॉल में आग भी लगी थी और फायरवर्क्स के लिए भी रोका जाता है, बट ये सारी चीजें जो है हो रही हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी बात करी, अगर मान लो हम 300 मीटर की बात करते हैं, 300 मीटर मेरा आंकलन ही है, लगभग 20 से 25 अच्छे बड़े बैंकिंग ढाल 300 मीटर दायरे में आज हैं जी। और उन सब में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जो बैंकिंग ढाल होते फंक्शन होंगे जी, जी, जी। फंक्शन होगा तो गैस सिलेंडर बड़ी मात्रा में आएंगे जी। तो जब फंक्शन होता है तो लोग फायर क्रैकर्स आतिशबाजी चलाएंगे, परंतु उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। पूरी जनता को ऐसा, या तो ये सरकार ऐसा वेट कर रही है कि बहुत बड़ी कोई घटना घटे, पता नहीं कब कोई घटना घट जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं। परंतु बड़े दुख की बात है, सरकार आज भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही, और अधिकारीगण, नेतागण, विधायक, पार्षद सब मिल के एक आम जनता जो बेचारी जो मकान बना रही है, जो छोटा मकान बनाती है, उसको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते। ये जब आयुध डिपो बने थे तब तो यहाँ पर शायद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, अगर गुरुग्राम को देखे तो एक जंगल के रूप में था। फिर ये जब लोग आके बसने लग गए यहाँ पर, अगर हम बात करें एचएसवीपी की, डीटीपी ऑफिस की, और साथ साथ हॉस्पिटल बने हैं, तो ये जब सारा कुछ शिफ्ट हो गया यहाँ पर और अब इनको हटाना पॉसिबल नहीं लग रहा, और इतनी बड़ी संख्या में भी है, या तो ये लोग मुआवजा मांगेंगे, तो इस एवज में अगर हम बात करें मेवात के पास, क्या इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता? अब तो मुंबई हाईवे से भी उसी की कनेक्टिविटी है। देखिए, एज ए जो मेरा जन्म भी गुड़गांव में हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बड़ा ही टफ है कि भाई लोगों को या तो मुआवजा दिया जाए जी, या इन चीज़ों को शिफ्ट किया जाए। ये दोनों बातें मेरे को प्रैक्टिकली नहीं लग रही आज की डेट में। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि अब क्योंकि बम्बई दिल्ली नया सुपर एक्सप्रेस बन गया है, तो मेवात के आसपास इसको कहीं शिफ्ट किया जाए। और ये ज़मीन है, क्योंकि डिफेंस के पास ऑलरेडी लगभग 800 एकड़ ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये डिफेंस अगर अपने और कुछ चीज़ें बनाएगा तो उसे कंपनसेट किया जा सकता है। और इसको अब निश्चित रूप से शिफ्ट करना ही समाधान है, और या यहाँ पर ऐसे कोई ऐसे हथियार रखे जाएँ जिसमें वो 100 मीटर अंदर, जो क्योंकि अंदर भी लगभग इनके पास 800 एकड़ ज़मीन है, वो अंदर ही छोटा मतलब कि ऐसे हथियार हैं जो जो जिनकी मार कम दूरी की है, उन हथियारों को, उन मिसाइल्स को वहाँ रख दिया जाए, और जो बड़े हथियार हैं उनके लिए अलग शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यही समाधान बचा है। अब शिफ्ट करना, लोगों को कंपनसेशन देना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के साथ तो एक खिलवाड़ हो जाएगा। जब मारुति फैक्ट्री लग रही है, जब एचएसबीपी अपना ऑफिस खोल रहा है, डीटीपी अपना ऑफिस खोल रहा है, अपने सेक्टर जब 14 सेक्टर बन रहा है, सेक्टर 17 बन रहा है, 18 बन रहा है, तो जब सरकार अपने सेक्टर बना रही है, पेट्रोल पंप लगा रही है, तो उनको तो आप अलाउ कर रहे हैं और आम जनता को कह रहे हैं भी आप शिफ्ट कर लो, तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है।
अब मेरे हिसाब से अगर शिफ्ट कर ले तो यही समाधान हो सकता है। ओवरऑल आपकी पड़ताल या हम कहें कि सुझाव आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आयु डिपो की बात हो रही है, 300 मीटर 900 मीटर सुरक्षा के मापदंड देखे वहां पर पूरे नहीं हो रहे, और अगर हम बात करें वहीं पर एक तरफ आम जनता को मार पड़ रही है और दूसरी तरफ देखे HSVP DTP के ऑफिस वगैरह है, हॉस्पिटल्स है, बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स है, वो सब कुछ चल रही है और धड़ल्ले से बेदाग होकर वो अपना काम कर रहे हैं, आपकी पड़ताल क्या, आपके सुझाव हैं आयुध डिपो को लेकर, ये 900 मीटर 300 मीटर के जो पैतरे चल रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, वर्क्स और डिफेंस एक्ट 1903 स्पष्ट कहता है कि आप 900 मीटर में कुछ नहीं कर सकते, बल्कि एक्ट तो ये कहता है आप इवन एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, प्लांट भी आप वहां पर नहीं, इतना भी बोला गया है, इतना बोला गया एक्ट में स्पष्ट है जी, परंतु क्योंकि अब ये सब हो गया है और सारा झमेला ये एक सरकार में नहीं हुआ, पिछले 25 सालों में 30 सालों में धीरे धीरे करके इस तरह सब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। ये शुरुआत आई मैं समझता हूँ शायद मारुति फैक्ट्री से स्टार्ट हुआ था, जब 84 में मारुति आई थी, जब मारुति का आपने 900 मीटर में अलाउ कर दिया, फिर धीरे धीरे और चीज़ें आ गई, कमर्शियल हो गया, बैंकेट हाल आ गए, लोग रहने लगे। अब ये कि समाधान लगता है कि इसको कहीं दूर शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर जो कम दूरी के जो हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, बम हैं, जिनसे अगर वो अचानक घटना घटती है तो वो रखे जाएं, तभी समाधान हो सकता है। क्योंकि अब कंपनसेट देना और मकानों को तोड़ना, मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मेरी दृष्टि में। जैन साहब, यहाँ पर जो है आम आदमी की भी बात हो गई, बात होगी प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ी बात ये है कि जो हमारी फोर्सेज है और जो वहां पर बारूद है या आर्म्स है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है, देश की सुरक्षा के लिए ही है, उसके ऊपर भी कितना बड़ा खतरा है कि अगर आसपास जो बैंक्वेट हॉल है कभी कहीं पर कोई आगजनी की सिचुएशन हो जाती है और वहां से जो है आयुध डिपो भी प्रभावित होता है, तो क्या कहीं ना कहीं जो हमारी सुरक्षा है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है? बिल्कुल लग रहा है। मैं आपको चीज बता दूं, ये जो गुड़गांव का जो एमिनेशन डिपो है, जब इंडो पाकिस्तान वार 1947 में हुआ था तो यहाँ से हथियार गए थे, जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ 1962 में यहाँ से हथियार गए थे, 1965 का जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब यहाँ से हथियार गए थे, 1971 का जब इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ तब यहाँ से हथियार गए थे, ऑपरेशन पवन जब श्रीलंका में 1986 में हुआ तब यहाँ से हथियार गए थे, और ऑपरेशन सागर जब हुआ 99 में कारगिल गिर का एक पार्ट था तो यहाँ से हथियार गए थे। मतलब ये जो लॉजिस्टिकली ये जो लोकेशन है, क्योंकि हमारा दिल्ली एयरपोर्ट साथ है, जहाँ से तुरंत हमारे जो हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जाती हैं, फिर वहाँ से पूरे भारत में रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजी जाती हैं, तो क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट को नज़दीक है तो निश्चित रूप से 20-25 मिनट में ही सारे हथियार वहाँ पहुँच जाते हैं, तो लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिकली है जी। इसलिए डिफेंस वालों ने बार बार इस बात को कहा है कि हमारे लिए इसको यहाँ शिफ्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है जी। यहाँ बड़े बड़े जो बैंकर बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तो पोजीशन ये है कि Catch-32 सिचुएशन हो गई है कि क्या सरकार करे, क्या प्रशासन करे, क्या डिफेंस करे, कोई गलती अपनी मानता नहीं है, परंतु अब गलती से भी हम नहीं सीख रहे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो आज भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो गलती से सीख नहीं रहे ना हम जी जी, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो अब भाई अभी तो पोजीशन यही है कि सरकार को अब तो एटलीस्ट गंभीरता से कम जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 20-25 बैंक की ठाल्स हैं जी जी, कम से कम उनमें तो फंक्शन को बैन कर दें जी, ताकि कोई ऐसा ना हो कभी कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कब कोई सिलेंडर फट जाएगा ये तो आप और हमें नहीं पता जी, कब कोई घटना घट जाएगी ये आप और हमें नहीं पता जी। तो निश्चित रूप से तो सरकार को इस बात को देखना तो चाहिए, बड़े बड़े शोरूम कैसे बन रहे हैं आज, चलो मारुति फैक्ट्री तो पुरानी 84 की है, आज भी यहाँ कार के बड़े बड़े शोरूम क्यों हैं वहाँ पर, पर सरकार क्यों गंभीर नहीं है, नेताओं के या बड़े अधिकारियों के या कैसे हैं पता नहीं, पर सेटिंग तो अभी भी चल रही, आज भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए और इस पड़ताल का जो है हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद मैडम। तो ये था आज का हमारा स्पेशल कार्यक्रम आयुध डिपो प्रतिबंधित क्षेत्र को लेकर, जहां देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं एक्ट की, एक्ट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर 900 मीटर के दायरे में आप एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, तो आखिरकार प्रशासन इतनी बड़ी
गलती या हम कहें कि इतनी बड़ी नाकामी अपने आप की किस तरीके से साबित कर सकता है कि खुद के एचएसवीपी के डीटीपी के ऑफिस तक यहां पर बना रखे हैं, पूरा सेक्टर बसा रखा है, कि आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है, क्या प्रशासन को ये चीजें दिखाई नहीं देती है? आज ही नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपका क्या कहना है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। तो अगला हमारा एपिसोड होगा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, जहां हम बात करेंगे कि आखिरकार अफोर्डेबल हाउसिंग जो है कैसे शुरू हुआ, आज क्या इसका स्टेटस है, आने वाला फ्यूचर क्या है इसका, और अगर हम बात करें कि आज जो लोग रह रहे हैं वहां पर क्या सही मायने में अफोर्डेबल हाउसिंग है या नहीं। अगर आप भी इसके बारे में कोई आपकी डाउट है, क्वेरी है या कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब होगी रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूले हर महीने के अल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सर्च।